Hello everyone, my name is Dr. Gagandeep Gupta. I am a consultant orthopedic surgeon at Shelby Hospital, Mohali. आज की वीडियो बनाने का मेन purpose है कि आपको एक बहुत ही common problem जो कि जिसका नाम है osteoarthritis उसके बारे में जागरूक करना. Osteoarthritis का मतलब क्या है? इसका मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है. Osteo मतलब हड्डी, arthritis मतलब उनका घिसना. तो basically osteoarthritis बढ़ती हुई उम्र की बीमारी है. जैसा कि बढ़ते हुए उम्र के कारण जो हमारे शरीर में बदलाव होते हैं, जैसे कि बालों का सफ़ेद होना, स्किन की ड्राइनेस होना, ऐसे ही जोड़ों में जो लुब्रिकेशन या जैसे साइनोवियल फ्लूइड होता है उसकी कमी होने लगती है. अब मैं आपको एक इस मॉडल के माध्यम से समझाऊंगा. जो नॉर्मल घुटना होता है उसकी जो लुब्रिकेशन है के कारण वो ऐसे स्मूथ फंक्शनिंग होती है, जिसके कारण जब हम चलते हैं, बैठते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं होती. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने में जब वो लुब्रिकेशन कम होता है, तो अक्सर जो भी पेशेंट हमारे पास 45 या 50 एज ग्रुप में आता है, उनमें ये कंप्लेंट होती है कि हम जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या ज़मीन पे बैठते हैं तो हमारे घुटनों में दर्द होता है. इस टाइम पे जो घुटने की हालत होती है वो ऑलमोस्ट इसकी तरह होती है. जब वो लुब्रिकेशन कम होती है, पेशेंट चलता है, तो ऐसे वो जोड़ों में जख्म आने लगते हैं. बट इस तरह की स्टेज तक 95% पेशेंट्स का जो इलाज है वो किसी भी दवाई, सिकाई या फिजियोथेरेपी की मदद से किया जा सकता है, या फिर कुछ घरेलू परहेज भी पेशेंट अपना सकते हैं, जैसे कि ज़मीन पे ना बैठना, सीढ़ियां ना चढ़ना उतरना, या फिर जो पालथी मार के बैठना होता है उस तरह की पोजिशन को अवॉइड किया जा सकता. अब क्योंकि मैंने बोला कि ये बढ़ती हुई उम्र की प्रॉब्लम है, तो इसने उम्र के साथ साथ बढ़ते जाना है. तो अल्टीमेटली जो स्टेज आती है उसमें जो है घुटना इस तरह से होता है. इतने ज़्यादा जख्म आ जाते हैं घुटनों के अंदर कि पेशेंट की जो टिपिकल कंप्लेंट है वो ये होती है कि सर अब तो मैं वॉशरूम टॉयलेट के लिए भी जा नहीं पाता हूँ, या अगर मैं घर पे बैठा हूँ तो दो कदम भी किचन में या कहीं और मैं जा नहीं पाता हूँ. तो इस तरह की जब स्टेज आ जाती है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है जिसका नाम है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी. अब नी रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत सारे तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के नाम हैं जो पेशेंट को पेशेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाता है. तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि नी रिप्लेसमेंट का मतलब ऐसा नहीं है जैसे कोई लिवर या किडनी की तरह पूरा कोई हम घुटना ऐसे डाल देते हैं. इसका मतलब सिर्फ इतना ही है जो हड्डी घिस जाती है उसकी सफाई करके हम उसके ऊपर कैप डाल देते हैं. ऊपर वाली हड्डी पे एक कैप, नीचे वाली पे एक कैप, और दोनों के बीच में जो आर्टिफिशियल जो ग्रीस होती है उसकी जगह एक आर्टिफिशियल इंसर्ट, जिसको हम इंसर्ट बोलते हैं, वो डाल दिया जाता है. जब ऐसा हो जाता है तो पेशेंट की मूवमेंट स्मूथ हो जाती है, उसका पेन ख़त्म हो जाता है, उसकी वॉकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. तो ये जो टेक्निक है इसका मैंने 2019 में एक टेक्निक लॉन्च की थी जिसका नाम है SLPL नी रिप्लेसमेंट सर्जरी. अब SLPL का मतलब क्या है? SL का मतलब है स्टिचलेस और पेनलेस. स्टिचलेस मतलब कि हम स्किन पे कोई स्टिचेस नहीं लगाते हैं, जो भी स्टिचेस होते हैं वो जॉइंट को अंदर से ही क्लोज कर देते हैं. अब इसके कुछ फ़ायदे हैं वो ये है कि हाँ, जो स्टिचेस खुलने का एक प्रोसीजर होता है, पेशेंट को हफ्ते बाद हमें दिखाने आना होता है, वो प्रोसीजर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है. तो टाँके खुलवाने का कोई झंझट नहीं है, टाँके खुलवाने से जो दर्द होता है वो नहीं होता, और कॉस्मेटिकली ये जो स्कार है वो बेटर होता है. अब पेनलेस क्यों कहते हैं? आई वुड से इट इज़ नियरली पेनलेस, नॉट कम्प्लीटली पेनलेस, क्योंकि जो पेन कंट्रोल जो टेक्निक्स हैं वो बेहतर हो गई हैं. पेशेंट का जो इंसीजन है वो छोटा हो गया है, इम्प्लांट का साइज़ है वो छोटा हो गया, तो आजकल जो सर्जरी है वो ऑलमोस्ट पेनलेस है. तो यही मैं कंक्लूड करना चाहूँगा. जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है बढ़ती हुई प्रॉब्लम उम्र के कारण होती है, और इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, और इससे पेशेंट की लाइफ बेहतर हो जाती है. थैंक यू.